ओके, सो एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो एटमोस्फेरिक प्रेशर आपने देख सुना होगा बहुत बार कि ये फिनोमेना, ये कंसेप्ट आता क्यों है, क्योंकि हम बोल हमें पता है कि एयर का भी वेट होता है। एयर का वेट होता है, वेट मतलब क्या है, फोर्स। तो अर्थ अगर है हमारी नीली ब्लू बना हो गया, इफ दिस इज द अर्थ, अर्थ के सराउंडिंग में क्या है, बहुत सारे एयर का मतलब गैसेस का मिक्सचर है, ठीक है। तो ये एयर या गैसेस विल एक्सर्ट फोर्स, उसका वेट अर्थ को चारों तरफ से घेर लेगा, पूरे ग्लोब को। अगर मैं इसको अर्थ मानू, ठीक है, इसको अर्थ मानू, तो इसके इन एंड अराउंड क्या है, गैसेस है, मतलब एटमोस्फेयर के लेयर्स है, आपने बचपन में पढ़ा होगा। तो ये जो हवा है, हवा का दबाव होता है इसमें, तो यही है, ये जो एयर है या एटमोस्फेयर है, ये प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है अर्थ पे, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, है ना। तो वो इन सब चीजों को हवा में रखेगा, राइट। अलग अलग लेवल होती है एटमोस्फेयर की, तो ये इसको दबाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इस चीज को हम बोलते हैं एटमोस्फेयरिक प्रेशर। अब एटमोस्फेयरिक प्रेशर है तो आप ये सोचोगे सर ये क्या लिखा है, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, सिरिंज, इंक ड्रॉपर एंड वैक्यूम क्लीनर। तो ये सारे के सारे चीजें चलती है प्रेशर डिफरेंस की वजह से। तो इसमें एटमोस्फेरिक प्रेशर का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जैसे कि मैं आपको समझाता हूं कि इफ दिस इज द अर्थ और उसके आजू बाजू में एटमोस्फेयर है, इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब डिटेल में मतलब कैसे, देखो कि अगर हमें इसका एकदम क्लियर, सपोज ये अर्थ का ऐसा कर्वेचर, ठीक है, ये अर्थ है, तो एटमोस्फियर की लेयर्स भी यहां होगी, एटमोस्फियर की लेयर, ये अपना अर्थ है, हाँ इसको डिस्टिंग्विश कर लो अच्छे से, ठीक है। तो ये अर्थ का सरफेस यहां पर, ये अर्थ का सरफेस और ये एटमोस्फियर की बहुत सारी लेयर्स। तो क्या होगा अगर आप ऊपर ऊपर जाते गए, सपोज आप यहां तक पहुंचे, ठीक है, कोई इंसान वहां तक पहुंचा, तो ये नीचे वाली लेयर सब उसको दबा नहीं सकती, उस पर प्रेशर एग्जर्ट कौन करेगी, सिर्फ ऊपर वाली लेयर्स। तो इस पर्सन पे लगने वाला जो फोर्स है या वेट है बाकी ये गैसेस का कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो हम बोलते हैं कि जैसे ही सरफेस से हम लोग ऊपर जाने लगते हैं, जैसे आप एरोप्लेन में चढ़ने लगे या फिर माउंटेन्स पे चढ़ने लगे, एज वी गो अबाउट द अर्थ सरफेस, एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। एज वी गो अबाउट, अगर आप ऊपर ऊपर चलते गए तो एटमोस्फेयर का प्रेशर आपके कम एग्जर्ट कर, आपको कम एग्जर्ट करेगा, ठीक है। वही हम अगर समंदर में चले गए, है ना, वही अगर हम समंदर में चले गए, हम और गहरे चले गए, सपोज यहां पे किसी ओशन में हम लोग अंदर चले गए, तो यहां की जो एटमोस्फेयर की लेयर्स है वो भी इस पे प्रेशर एग्जर्ट करेगी और ये पानी भी इस पे प्रेशर एग्जर्ट करेगा, तो ये इंसान और ज्यादा हेवी फील करेगा और ज्यादा प्रेशराइज फील करेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी आप स्विमिंग टैंक में या फिर नदी में नाले में आप नहाए होंगे, तो स्विमिंग टैंक में जैसे ही आप पानी के अंदर जाते हो आपको बहुत ज्यादा प्रेशर फील होता है ना। ये प्रेशर क्यों फील होता है, क्योंकि पानी की जो लहर है आपके ऊपर, पानी की जो वाटर की लेयर जो है आपके सिर के ऊपर, आपके बॉडी के ऊपर, वो सारी की सारी आपके ऊपर वेट एग्जर्ट कर रही है। तो इसके लिए आपको ऐसा, जितना आप गहरे पानी में अंदर जाओगे उतना ज्यादा प्रेशर फील होगा। या फिर और एक एग्जांपल लेते हैं एरोप्लेन वाला, है ना, तब
सपोज ये अर्थ का सरफेस है और आप मस्त कैसा रहता है एरोप्लेन जैसा भी, ठीक है। तो इस एरोप्लेन में उड़ रहा है तो एरोप्लेन की जितनी हाइट बढ़ेगी, सपोज ये इस हाइट पे उड़ रहा है यानी इस हाइट पे उड़ रहा है, तो जितना वो ऊपर जाएगा आपको ऐसे लगेगा, फील होगा कि आपके कान पॉप आउट हो रहे हैं, है ना, कान बंद होने लगेंगे। जिसने भी एयर ट्रैवल किया उसको समझ में आएगा। इसीलिए एरोप्लेन में भी जो खिड़की वगैरह होती है वो सारी प्रेशराइज कैबिन होती है। नहीं सर मैं तो खिड़की खोल के मस्त देखता हूँ हवा वगैरह आती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। बिकॉज वी नीड टू मेंटेन द प्रेशर इनसाइड द कैबिन, नहीं तो क्या हो जाएगा, प्रेशर डिफरेंस से क्या हो जाएगा ये हम बात करने वाले हैं। प्रेशर डिफरेंस से क्या हो जाता है ये हम इस जगह डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, ठीक है, चलो बड़ा एक लेते हैं, और उसके अंदर स्ट्रॉ है, सपोज कुछ ड्रिंक ले रहे हो आप, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले रहे हो, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, अगर हम ड्रिंकिंग स्ट्रॉ की बात करें तो ये स्ट्रॉ है और आप यहां से कोल्ड ड्रिंक क्या करोगे, सक करोगे या कोल्ड ड्रिंक पीने की कोशिश करोगे, राइट। तो क्या हो जाएगा, ये जो कोल्ड ड्रिंक है इसके ऊपर एटमोस्फियर प्रेशर एग्जर्ट करेगा, हवा, ये जो एयर है जो एटमोस्फियर में, हवा जो है वो क्या करेगी, इसके ऊपर दबाव क्रिएट करेगी, एटमोस्फियर का प्रेशर क्रिएट करेगी। और हमें पता है नेचर में हर चीज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, कहीं पे भी देख लो आप, है ना। जैसे आपके घर में टंकी का पानी मतलब अंडरग्राउंड वाटर आपके रूफ पे पहुंचाना है तो क्या करते हैं हम लोग, मोटर ऑन करते हैं। मोटर का काम क्या है कि नीचे के पानी को धक्का देना, प्रेशराइज करना कि जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ, मतलब मोटर की वजह से नीचे प्रेशर ज्यादा है ऊपर के बजाय, तो पानी ऊपर चला गया। लेकिन क्या जब हम पानी यूज करते हैं, है ना, तब भी सेम प्रेशर होता है, हमको मोटर लगाने की जरूरत पड़ती है क्या, और कि ग्रेविटी उसको खींच रही है पानी को नीचे, तो पानी जो टंकी में रखा गया है वो अपने आप नीचे आ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। सो व्हाट इज हैपनिंग कि नेचर में हर चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर में फ्लो करती है। तो यहां पर भी क्या हुआ, अगर आप ड्रिंक ले रहे हो स्ट्रॉ से, सो बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर, ये जो ड्रिंक है ब्लू वाला ड्रिंक क्या होगा, स्ट्रॉ से, क्योंकि यहां पर भी आप क्या करते हो, शुरुआत में ड्रिंक नहीं आ रहा है, शुरुआत में हवा आती है, देखो यहां पे जब आप इसको सिप करने की कोशिश करते हो तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, राइट। सो यहां दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो ड्रिंकिंग स्ट्रॉ जो आप पी रहे हो दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर। समझ में आई क्या बात, चलिए देखिए। तो जब हम सिरिंज लेते हैं, नीडल लेते हैं, इंजेक्शन जो बोलते हैं हम लोग जिसको, या फिर आप होली में आप अपनी पिचकारियां यूज करते हो, तो क्या करना है आपको, एक बकेट लेना है या फिर टब लेना है, उसके अंदर कुछ मटेरियल है, तो क्या हो जाएगा, हम क्या करते हैं, है ना, उसमें से सारी हवा निकाल देते हैं, तो वी हैव क्रिएटेड, तो जब हवा निकल गई यहां से तो ये क्या हो गया, एक लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर क्रिएट हो गया यहां। और जब भी यहां पर लो प्रेशर क्रिएट होगा यहां,
है ना इस जगह पर, क्योंकि हमने सारा का सारा एयर निकाल दिया है यहां से, और यहां पर एटमॉस्फेयर की वजह से क्या होगा, हाई प्रेशर, राइट। तो क्या होगा, यहां से सिरिंज में ये जो पानी है वो बहने लगेगा, राइट। और पानी है या जो भी इंजेक्शन भर रहे हो आप, जो भी केमिकल भरना चाहते हो, तो यहां पर द फ्लो विल बी लाइक दिस। जैसे हम लोग पिचकारी भरते हैं तो क्या होता है, हम हवा निकाल देते हैं सारी, तो उसमें कोई एयर नहीं बचती, और फिर हम उसको खींचने की जब कोशिश करता है पानी अपने आप आ जाता है। पानी अपने आप कैसे आ जाता है कि जैसे हम खींच रहे हैं अब उस जगह पर कुछ नहीं है, तो वाटर विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करता है। वैसे ही होता है वैक्यूम क्लीनर में, और वैसे ही होता है इंक के डॉपर में। इंक का डॉपर आपने देखा होगा, जो हम लोग इंक पेन यूज करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, पीछे से उस डॉपर को दबाते हैं, ठीक है। अब पीछे से उस ड्रॉपर को दबाएंगे तो क्या होगा, पीछे से ड्रॉपर को दबाया तो उसके अंदर की हवा सारी निकल गई, और फिर हमने उसको डिप किया इंक के बॉटल में, तो इंक के बॉटल से अपने आप लिक्विड कहाँ आ जाएगा, ड्रॉपर में आ जाएगा, और फिर हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो जब भी हम एटमोस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं, ये सारे कॉमन फिनोमेना हमको समझ में आने चाहिए। फिर हमारे पास है वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर का मतलब क्या होता है, एक जगह वैक्यूम क्रिएट कर दो, वैक्यूम मतलब खालीपन, खाली जगह। तो एक जगह एयर कुछ भी नहीं है, दूसरी जगह एयर ज्यादा है, तो एयर ऑलवेज फ्लोस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। तो ये बात भी बतानी थी। तो इसका और एक बड़े लेवल पे अगर एग्जाम्पल हम देखिए, इसको मिटा देता हूं, शायद होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, पर आप इसको देखिए, है ना। तो इस चीज का क्रक्स क्या है, इस चीज का इंपॉर्टेंस क्या है, ये मैं बताना चाह रहा हूं कि एयर या कोई भी फ्लूइड, फ्लूइड की हम बात करें, फ्लूइड्स में क्या होता है, फ्लूइड्स मतलब जो भी बहता है, जो बहता है, तो पानी भी बहता है, मतलब क्या एयर भी एंड वाटर भी, मतलब लिक्विड भी बोल सकता हूं मैं। फ्लूइड्स मतलब क्या, जो भी कोई चीज बहती है, तो हवा भी बहती है, तो हवा कैसे बहती है, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर, कोई भी चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो अब तक हमने एयर की बात की, और लिक्विड में भी यही होता है, लिक्विड में भी यही होता है कि हाई प्रेशर से, नहीं तो बोलेंगे सर क्या आप लिख कर रहे हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही बहते हैं हर चीजें। तो किस जगह पर ज्यादा प्रेशर है ये हम लोग जान सकते हैं इन सब चीजों में, समझ में आ रही है क्या बात। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो एटमोस्फेरिक प्रेशर में हम लोग एयर की बात कर रहे थे, और फ्लूइड मतलब क्या, एयर एंड लिक्विड बोथ दे आर कॉल्ड एज फ्लूइड, ठीक है। चलो बात करते हैं फिर अब। तो एटमोस्फेरिक प्रेशर में, क्योंकि एयर इन्वॉल्व था, एयर का वेट इन्वॉल्व था, इसलिए हमने एटमोस्फेरिक प्रेशर में एयर की बात की। लेकिन हम अब प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड्स की बात करेंगे, मतलब पानी की बात करेंगे, या लिक्विड जो भी लिक्विड स्टेट में है उनकी बात करेंगे। तो सपोज एक टैंक है मेरे पास, उसके अंदर मैंने पानी भर दिया, ठीक है।
वॉटर इन द टैंक, और यहां से मैंने एक होल किया, यहां से एक होल किया, यहां से एक होल किया, तो क्या हो जाएगा? किससे ज्यादा पानी निकलेगा? एक होल यहां पे है, एक होल यहां पे, एक होल यहां पे, तो मैं इसका नाम दे देता हूं ए बी सी। तो किस होल से ज्यादा पानी निकलेगा ये आपका सवाल है, ठीक है। तो बाय ऑब्जर्वेशन हम ये बोल सकते हैं कि देखो ये जो सी होल है, ठीक, यहां पे ऐसा बना देता हूं मैं आपको, लगेगा क्या है ये सी जो होल है उसके ऊपर बहुत कम लेयर से पानी की, तो प्रेशर एग्जर्ट करेगी नहीं, ये ऐसा पानी गिर जाएगा जमीन पे, ठीक है। बी जो होल है उसकी पोजीशन सी के थोड़ा नीचे है, तो यहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट होगा, थोड़ा एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर एग्जर्ट होगा, एयर का, क्योंकि खुला है ढक्कन, और वाटर का लेवल का भी ढक्कन ये होगा, तो ये थोड़ा सा ज्यादा फोर्स से पानी फेंकेगा, ठीक है। और अगर मैं ए होल की बात करूं तो बहुत ज्यादा प्रेशर से पानी एग्जर्ट होगा क्योंकि उसके ऊपर सारी की सारी लेयर्स आ रही है, ठीक है। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट, ये ऐसा भी देखेंगे आप डायग्राम बहुत जगह पर, कि अगर ऐसा कुछ टैंक है कि इसके दोनों सेम लेवल पे, सेम लेवल पे अगर आपने होल्स कर दिए तो क्या होगा, तो सेम लेवल पे सेम फोर्स से पानी निकलेगा, कोई डिफरेंस उसमें नहीं होगा। सो व्हाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। तो लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसका कितना डेप्थ है उसपे, ठीक है, कि यहां से यहां तक डेप्थ कम है, यहां से यहां तक डेप्थ थोड़ा और ज्यादा है, यहां से यहां तक डेप्थ और ज्यादा है, तो प्रेशर है ना इज नथिंग, इट डिपेंड्स अपॉन डेप्थ एंड डेंसिटी एंड प्रेशर इन फ्लूइड्स, प्रेशर इन लिक्विड्स डिपेंड्स अपॉन डेप्थ डेंसिटी एंड ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डेप्थ डेंसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो डेप्थ के लिए हम लोग लिखते हैं डी, डेंसिटी के लिए हमारे पास है रो, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है, और प्रेशर है तो प्रेशर का यूनिट पास्कल है, तो इसका भी यूनिट पास्कल ही होगा। क्या बात आपको समझ में आई? ठीक है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखना है, कुछ बेसिक बेसिक चीजों का आपको ध्यान में रखना है और इसको सॉल्व करना है। चलो लिख लो इसको, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, नाम है मैनोमीटर। मैनोमीटर ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है, तो ये किस लिए यूज होता है? प्रेशर मेजर करने के लिए। तो किसका प्रेशर मेजर करना है? तो मेजर प्रेशर बोला है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर। तो मैनोमीटर ये जो इंस्ट्रूमेंट ऐसा दिख रहा है, ऐसा एक यू शेप ट्यूब है, कैसा है? यू शेप ट्यूब है, ट्यूब ही है ना, तो ये यू ट्यूब है, यू शेप ट्यूब, ठीक है, यू शेप का ट्यूब है। मतलब अगर ऐसा कोई मैं एक सीधा ट्यूब बोलता, ठीक है, तो उसको यू शेप का ऐसा दूसरा ट्यूब भी आ जाता है, राइट, सिंपल सी बात है। सो अगर ये प्रेशर मेजर करने के लिए है, तो इसके अंदर कुछ डालते हैं हम, तो हमने नेचर में देखा है, सपोज मैंने यहां से ऐसा ये पाइप है हॉलो सिलेंडर जैसा एकदम, यहां से मैंने अगर लिक्विड डाला तो यहां लिक्विड जमा हो जाएगा, लेकिन
लिक्विड हमेशा इक्वल लेवल शो करेगा, तो कभी हमको प्रेशर समझ में नहीं आएगा इसका, क्योंकि लिक्विड क्या करता है, हमेशा सेम लेवल अटेंड करता है। आप कहीं पे भी देख लो फिनोमिनल, अगर आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेटर करना है तो मैं बोलता हूं कि आपके पास ये दो टैंक्स है, सेम साइज की दो टैंक्स है, टैंक ए और टैंक बी, ठीक है। तो टैंक ए में हमने ज्यादा पानी भर दिया और टैंक ए बी में कम पानी है। नाउ हमने टैंक ए के बेस से टैंक बी के बेस को एक हॉलो पाइप से जोड़ दिया, एक खाली पाइप से जोड़ दिया, तो क्या होगा, वॉटर विल फ्लो फ्रॉम टैंक ए टू बी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो यहां पर पानी ज्यादा है, ज्यादा पानी मतलब ज्यादा प्रेशर, कम पानी मतलब कम प्रेशर, सो ये है हाई प्रेशर और ये बन जाएगा लो प्रेशर, तो पानी फ्लो करेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ए से बी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, सही बात है। तो अगर जब ए से बी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है पानी, कब तक फ्लो करेगा, ये मेरा पॉइंट है, कब तक फ्लो करेगा, पानी जा रहा है जा रहा है जा रहा है, इसका लेवल इतना बढ़ गया सपोज इस लेवल पे, तो इसका लेवल इतना कम होगा, सही बात है। पानी कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाता। पानी कब तक फ्लो होगा, जब तक सेम लेवल अटेंड नहीं कर लेते, मतलब सेम प्रेशर, नो डिफरेंस इन प्रेशर, नो डिफरेंस इन प्रेशर, राइट। तो हर जगह पर हमें सेम लेवल हमेशा अटेंड होती है, तो हमें पता कैसे चलेगा यार प्रेशर डिफरेंस किसका है। तो हम यहां पर दो चीजें, इसमें हम यू शेप ट्यूब में दो चीज, ये आपको समझ गया ना, हम यू शेप ट्यूब में कुछ दो चीजों को इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहां पर हमने एक स्केलिंग सिस्टम बना ली, स्केल बना ली, कैलिब्रेशन कर लिया उसका, कैलिब्रेशन मतलब जैसे हमारी होती है ना स्केल, उसका कैलिब्रेशन कर लिया कि प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, और जिसका प्रेशर मेंटेन करना है, जिसका प्रेशर मेजर करना है, सॉरी जिसका प्रेशर मेजर करना है उसको, सपोज गैस है, तो हम क्या करेंगे, यहां से एक एक्स्ट्रा ट्यूब लगाएंगे फ्लेक्सिबल वाला, और उस गैस को यहां भर देंगे, उस गैस को यहां भर देंगे, और यहां पर क्या लगा देंगे, वॉल्व लगा देंगे, क्या लगा देंगे, वॉल्व लगा देंगे, वॉल्व लगा देंगे, तो जिस भी गैस का या लिक्विड का हमें प्रेशर मेजर करना है उसको यहां पे भर दिया अननोन, अननोन फ्लूइड लिखता हूं मैं यहां, ठीक है। तो जैसे जैसे जरूरत है वैसा हमने डाल दिया यहां पे, तो क्या हो जाएगा, यहां से गैस एंटर कर गई और इसको प्रेशराइज करने लगी, तो ये प्रेशराइज होगा तो ये लिक्विड क्या होगा, ये लिक्विड ऊपर चला जाएगा और ये वाला लिक्विड नीचे आ जाएगा, इसको धक्का देंगे नीचे तो ये आ गया नीचे की तरफ और ये चला गया ऊपर की तरफ, तो क्या होगा, देयर विल बी डिफरेंस इन लेवल्स। लेवल का डिफरेंस मतलब क्या, ये वाला लिक्विड इस लेवल पे, ये वाला लिक्विड इस लेवल पे, तो इस स्केल को हमने इस तरह बनाया है कि इस लेवल के डिफरेंस से लेवल के डिफरेंस से विल नो द प्रेशर, लेवल के डिफरेंस से विल नो द प्रेशर, समझ में आया क्या बात।
है ना। तो जब भी हम यहां पर लेवल डिफरेंस देखते हैं, ठीक है, क्या होगा, यहां पे अननोन फ्लूइड भर देंगे और गैस सपोज यहां से निकल के यहां पे इसको प्रेशराइज करेगी, तो ये जो फ्लूइड होगा ये मूव करने लगेगा, तो उस हिसाब से हम अपना प्रेशर चेक कर सकते हैं या फिर उसको देख सकते हैं कि कौन सी गैस कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, कौन सा फ्लूइड कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। ठीक है, तो मैनोमीटर एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर। तो प्रेशर मेजर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, इसके बहुत सारे उपयोग हैं। तो ये वाला डायग्राम आपको बुक में भी मिल जाएगा, प्लीज इसको पढ़िए, इसको ड्रॉ कीजिए और ये अननोन फ्लूइड का प्रेशर आपको बताएगा। ठीक है, तो मोटा मोटी तौर पे आपको ये क्या बनाना है, एक यू शेप ट्यूब लेना है, उसके अंदर एक फ्लूइड होगा जिसकी डेंसिटी हमें पता होगी, है ना। और जब भी हम अननोन फ्लूइड को यहां पे पास करेंगे, ये लेवल उधर बढ़ेगा, ये लेवल नीचे होगा, एंड दिस लेवल डिफरेंस कैन गिव यू द वैल्यू ऑफ अननोन प्रेशर। अब ये कैसे होता है, ये कैलिब्रेशन, है ना, ये सब मैनोमीटर आपको समझा देगा। समझ में आ रही है बात? तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज योर क्लास इज कंसर्न, प्लीज नोट दिस डाउन।